हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेट सर्किल। तो यूपीपीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम लोग इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स के वीडियोस के साथ में ही जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं सारी करा दूँ। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ 4 से 5 वीडियोस मैं इसमें अपलोड करूँगा जो मैंने प्लान किया है। आज ये पहला वीडियो है, इसमें इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बताऊंगा। जो सेकंड वीडियो जो कल अपलोड करूंगा उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बजट हो गया आपका, इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहेंगी वो डिस्कस करेंगे। और चौथा जो वीडियो होगा उसमें आपका जैसे जो फैक्चुअल डेटा है ना, कृषि का कितना उत्पादन हुआ, जो मिनरल्स हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, या आपके फॉरेस्ट रिपोर्ट उसमें क्या आती है, जो यूपी का जो बजट है उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कोई अगर चीज़ है, बैंकिंग क्षेत्र से, ऊर्जा क्षेत्र से, या आपका टूरिज्म सेक्टर से कुछ कुछ बढ़ोतरी हुई है, इस तरीके से जो मिसलेनियस जो चीज़ें होती हैं ना तो वो हम कर लेंगे। तो इस तरीके से 4 जो है वीडियोज़ में अपन लोग इकोनॉमी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। और आई होप ये 2-3 दिन के अंदर मैं पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा। अभी फिलहाल 2-3 दिन मैं जो भी अपलोड करूंगा वो सारे के सारे इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियोस होंगे करंट अफेयर्स के लिए। ओके, करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और अभी हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कर रहे हैं, जैसे मैंने इंडेक्सेस के बारे में बताया था, समिट्स के बारे में बताया था, अभी अवार्ड के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ मैं। उसका डेटा रेडी हो गया, उसको रिकॉर्ड करना है अवार्ड्स के बारे में। और स्कीम्स मुझे अलग से ही करना था तो वो इकोनॉमी के साथ उसको मिला दूंगा, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। इस तरीके से हम लोगों का करंट अफेयर्स हो जाएगा। और फिर लास्ट के 2-4-5 दिन में अपन लोग वन लाइनर्स कर लेंगे, लाइक एक एक वीडियो में 100-100 क्वेश्चन होंगे जो वन लाइनर होंगे, उनको बस सीधे फास्ट वे में अपन कर लेंगे। तो बढ़िया से रिविजन हो जाएगा और हमारी जो है करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और बोलूंगा कि जो घटना चक्र या जो दृष्टि है इनके जो वार्षिकांक आते हैं ना, पतली सी मैगजीन्स आती है जो पूरा 1 साल का उसमें कर देती हैं, तो उनमें से कोई एक ले लो। आई थिंक घटना चक्र की आ गई होगी, देखी नहीं मैंने, हर साल आती है तो इस साल भी आ गई होगी शायद। तो आप एक ऐसा तो वार्षिकांक पढ़ ही रहे होगे, पर मैं सजेस्ट जरूर करूंगा आप घटना चक्र का ले लो या दृष्टि का ले लो, एक बुक इस तरीके की पतली मैगजीन होनी चाहिए आपके पास जिसमें पूरा का 1 साल का अच्छे से सब कुछ कंपाइल रहे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखना। पहला पॉइंट है 16 अक्टूबर 2019 को जारी 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है, 535.78 मिलियन, ठीक है। तो ये पशुधन आबादी है। तो यार ये क्या हुआ है, अभी 19वीं पशु धन गणना जो 2012 में हुई थी उसका उसकी जो तुलना में अभी जो 20वीं पशुधन गणना हुई है उसमें कितनी आबादी हुई है पशुधन में, वो 4.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, तो एक तो ये जो अभी जो पशुधन गणना रिपोर्ट जारी हुई है वो 20वीं थी, ठीक है, और इसमें कितने पशु की आबादी आई है, 535.78 मिलियन, और वृद्धि कितनी हुई है, 4.6% की वृद्धि हुई है। ओके, इसके बाद ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के द्वारा कर प्रशासन में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक प्रणाली है, उसका नाम क्या है, दस्तावेज पहचान संख्या प्रणाली, DIN प्रणाली, ठीक है। ये क्यों, जो डायरेक्ट टैक्सेस हो टैक्सेशन होता है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये प्रणाली स्टार्ट करी गई है, दस्तावेज पहचान संख्या DIN प्रणाली। ओके, तो इसमें देखो यार अगला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 25 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने 2 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है, और इस पुनर्गठित परिषद के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विवेक देबराय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर विवेक देबराय, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ष 2021 में होने वाली भारतीय जनगणना, कौन सी जनगणना होगी, 16वीं जनगणना होगी, है ना, 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी, ये 16वीं होगी। ओके, और आपसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा कि पहली जो जनगणना हुई थी वो किस साल में हुई थी और किसने कराई थी, ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आंसर में लिखकर बताइए। ओके, पहली जनगणना कब हुई थी और किसने कराई थी।
अब हम देखेंगे जो हमारा जो केंद्रीय बजट हुआ था अभी डिक्लेयर, तो उसमें 2019-20 में राजकोषीय घाटा का कितना अनुमान है। ठीक है, तो वो जीडीपी का 3.4% था 2019-20 के लिए। 2018-19 के लिए कितना था? 3.4%, है ना, 0.1%। जो फिजिकल डिफिसिट है वो कम हुआ है, राजकोषीय घाटा का मतलब है फिजिकल डिफिसिट। इसके बाद बजट अनुमान 2019-20 में राजस्व घाटा रेवेन्यू डिफिसिट वो कितना है? वो जीडीपी का 2.3% अनुमानित है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद बजट अनुमान जो जितने भी है ना आपके जो घाटे होते हैं, जो है ना कई टाइप के होते हैं, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, तो वो सारे जो है आप यहाँ पर इनको याद रख लो। राजकोषीय घाटा कितना है? 3.3%। राजस्व घाटा कितना है? 2.3%। प्राथमिक एवं प्रभावी राजस्व घाटा का कितना अनुमान रखा गया? प्राथमिक का है 0.2, जीडीपी का 0.2, और प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? जीडीपी का 1.3%। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों आप याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछे जाने की काफी प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, वैसे तो ये बजट में मैं कल फिर बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। इसके बाद बजट अनुमान 2019-20 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत क्या हैं? बहुत सारी चीजें हम लोग यहीं पर डिस्कस कर ले रहे हैं बजट की, कल अगर ऐसा ये सारी चीजें होंगी तो वो मैं स्किप कर दूंगा और दूसरा कुछ इसमें कंटेंट ऐड कर दूंगा। तो ऐसे ही पूरा एक मतलब जो 4 या 5 वीडियोस की इकोनॉमी की सीरीज होगी, आप इसे जरूर से जरूर देख के जाना। एंड आई एम श्योर कि इकोनॉमी में आपसे इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यार देखो, बजट जो हमारा अनुमान था 2019-20 में, उसमें सबसे बड़े स्रोत क्या रहे आमदनी के भारत सरकार के लिए? तो सबसे ज्यादा आमदनी किससे हुई? निगम कर से। ठीक है, निगम कर के द्वारा सबसे ज्यादा आमदनी हुई है, 21% की आमदनी हुई है। ठीक है, उधार एवं अन्य देयताएं इनसे जो है 20% की आमदनी हुई है। सेवा एंड अन्य कर जो है, टैक्सेस हैं, सर्विस टैक्स वगैरह, उससे 19% की आमदनी हुई है। और आयकर इनकम टैक्स से 16% की आमदनी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, कि सबसे ज्यादा आमदनी कहाँ से हुई है? निगम कर से। इसके बाद व्यय के सबसे बड़े घटक कौन है? सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ किया गवर्नमेंट ने? तो सबसे ज्यादा खर्चा किया करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। ओके, तो ये जो जो टैक्स कलेक्ट किए हैं गवर्नमेंट ने, है ना, उन सब में जो राज्यों को उन्होंने दिया है ना, केंद्र सरकार ने जो राज्यों को हिस्सा दिया है वो 23% है। सबसे ज्यादा खर्चा सरकार का इसी में हुआ है ना। इसके बाद ब्याज अदायगी जो लोन लेती है गवर्नमेंट, है ना, डायरेक्टली जो लोन लेती है, इनडायरेक्ट जो लोन लेती है ना, अब जैसे जो प्रोविडेंट फंड वगैरह है वो सारे लोन है ना। इसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, IMF से, इन सब से भी लोन ले रखी हो, तो ये सारा जो कर्जा है इसको चुकाने में जो भारत सरकार का 18% खर्चा हुआ है, पूरे व्यय का 18% लोन को, लोन के जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, उनको चुकाने में गया है। इसके बाद जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनपे तीसरे नंबर पे खर्चा हुआ है 13%। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कहाँ पर हुआ है खर्चा? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसमें 23% खर्चा हुआ है। ओके, इसके बाद बजट 2019-20 में कुल सब्सिडी व्यय कितना हुआ है? इस बजट के अनुसार ये जो है इतना पैसा जो है आपका खर्चा हुआ है किसमें? सब्सिडी के लिए। ओके, पूरे व्यय का 12.16% जो पूरा टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसका 12.16% किसमें गया है? सब्सिडी व्यय में। ओके, और कुल सब्सिडी का आधे से अधिक व्यय होता है किसमें? फूड सब्सिडी में, खाद्य मद में, जो फूड सब्सिडी के जो पैसा दिया जाता है, तो जो टोटल सब्सिडी का व्यय है ना उसका 54.35% किसमें गया है? फूड सब्सिडी में। ओके, इसके बाद बजट अनुमान 2019-20 के सकल बजटीय व्यय में ब्याज अदायगी का हिस्सा कितना है? 18%। जो कि जीडीपी का लगभग 3.13% है। इसके बाद बजट अनुमान 2019-20 में कर जीडीपी अनुपात कितना रखा गया? कर जीडीपी जो टैक्स से पैसा कलेक्ट हुआ है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है? 11.7%। ये एक एक पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, है ना। और प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात एवं अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात कितना है? ओके, जो पूरा जो टैक्स कलेक्ट हुआ है
वो कितना हुआ है, जीडीपी का 11.7% हुआ है। और जब आप इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिवाइड कर दो, तो जो डायरेक्ट टैक्स है उसका अगर जीडीपी से रेशियो निकालते हो तो वो 6.3% है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है उनसे जो आप जीडीपी का निकालते हो तो वो है 5.3%। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो आप जानते होंगे। डायरेक्ट टैक्स जैसे जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, या कोई चीज़ खरीदते हैं जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदी उसका टैक्स भरा, जो चीज़ हम जो टैक्स हम दिख रहा है हमको देते हो वो सारा कोई डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हमें पता ही नहीं होता फिर भी हम पे कर रहे होते हैं। आप साबुन खरीद रहे हो तो उसका जो कॉस्ट आप पे कर रहे हो तो उसमें कुछ टैक्स मिला रहता है जो आपके थ्रू दुकानदार गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, आपने दुकान पता लगा 10 रुपये का साबुन लिया तो उसमें पता लगा उसकी कीमत 8 रुपये है, 2 रुपये उसका टैक्स है, तो वो आपको क्या पता, आपने 10 रुपये दे दिया। अब इसमें जो 2 रुपये दुकानदार ने लिए वो दुकानदार गवर्नमेंट को भरेगा, तो एक तरीके से आपने यहाँ पे भी टैक्स पे किया सरकार को, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष दिखता ही नहीं आपको फिर भी आप दे रहे हो। तो आप उसके रेशियो समझ लिया आपने ना, 6.3% जीडीपी से प्रत्यक्ष कर का रेशियो है, और अप्रत्यक्ष कर के साथ जीडीपी का रेशियो कितना, 5.3%। टोटल कर और जीडीपी रेशियो कितना, 11.7%। अब हम इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार वैश्विक उत्पादन वृद्धि दर जहां वर्ष 2017 तथा 18 के लिए क्रमशः 3.8% और 3.6% थी, वहीं वर्ष 2000 के लिए कितनी होने वाली है, 3.3%। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी के बाद ये देखो, ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है कि 2017-18 तथा 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% तथा 6.8% रही है, 6.8% रही है दोनों वर्षों में। वहीं पे 2019-20 के लिए यह दर कितनी अनुमानित रखी गई हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, 7%, 7%, 7%। ठीक है, इसके बाद विश्व बैंक ने अप्रैल 2019 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत 78.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष प्रेषित धन प्राप्तकर्ता देश रहा। प्रेषित धन मतलब रेमिटेंस की बात हो रही है यहाँ पे। रेमिटेंस क्या होता है, जैसे हमारे जो भाई बंधु विदेश में गए हुए हैं और वहां पर पैसा कमाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं दुबई में, यूएस में, तो वो काफी सारा पैसा अपने घर वालों को भेजते हैं, लेकर आते हैं, कैसे भी ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो विदेशों से पैसा हमारे देश में आता है भारतवर्ष में, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस, प्रेषित धन। तो इस मामले में हमारा देश विश्व में नंबर वन है, सबसे ज्यादा इंडिया में पैसा आता है विदेशों से, किसमें, रेमिटेंस के रूप में। देखो, तो इंडिया में पैसा और भी कई तरीके से आता है, लेकिन जो इंडियंस या किसी भी देश के लोग किसी दूसरे देश में जाके काम करते हैं और वो जो पैसा वापस उस देश में भेजते हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रेषित धन या रेमिटेंस। ओके, तो उस मामले में इंडिया नंबर वन पर है। इसके बाद की क्या रैंकिंग है, और इंडिया के पास इस साल कितना पैसा आया 19 में, ये वर्ष 2018 में, वो आया 78.6%। ठीक है, सॉरी 78.6 बिलियन डॉलर। अब देखो, ये 2018 की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि 2019 में जो इकोनॉमिक सर्वे दिया गया, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल की बात करता है। अगर 2019 में आ रहा है तो 2018 में क्या हुआ पूरी वो बात करता है, और बजट जो होता है वो 2020 की बात करेगा, मतलब अगले साल क्या होने वाला है, ये फ्यूचर की बात करता है बजट। और इकोनॉमिक सर्वे आपको पता होगा वो पास्ट की बात करता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में जो चीजें बताई गई 2018 के लिए बताई गई है ना, विगत वर्ष के लिए बताई गई। तो उसमें सबसे ज्यादा पैसा इंडिया के पास आया, सेकंड नंबर पे चाइना, थर्ड पे रेमिटेंस मेक्सिको का है, फोर्थ पे फिलीपींस, और फिफ्थ पे इजिप्ट मिस्र का है। याद रखिए, सेकंड थर्ड तो याद ही कर लो, इंडिया टॉप पर है, सेकंड चाइना, देन मेक्सिको, देन फिलीपींस। वर्ष 2018-19 में मूल्य के हिसाब से निर्यात अंश में 14.1% हिस्से के साथ सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है, पेट्रोलियम उत्पाद। ठीक है, तो मूल्य के हिसाब से अगर पैसे पैसे की बात करें, मूल्य के हिसाब से तो सबसे ज्यादा निर्यात किस चीज का हुआ है इंडिया से, पेट्रोलियम उत्पाद का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो अभी यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इन्हें जो है अच्छे से ध्यान रखना। मूल्य के हिसाब से सबसे ज्यादा निर्यात किसका किया है, पेट्रोलियम उत्पाद का, 18-19 में कितना प्रतिशत, 14.1% किया है। इसके बाद 18-19 के आयात की जब बात करते हैं तो उसमें जो है सर्वाधिक हिस्सा किसका है, पेट्रोलियम क्रूड का। ठीक है,
अब देखो यहाँ क्या है, क्रूड ऑयल हम लेते हैं, हम लोग तो कच्चा माल लेते हैं पेट्रोलियम का, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयात किसका हुआ है 18-19 में, पेट्रोलियम क्रूड का, कच्चे जो पेट्रोलियम का उसका किया हुआ। इसके बाद उसको रिफाइन करके, उसका शोधन करके हम फिर उसको निर्यात करते हैं, है ना, पेट्रोलियम उत्पाद के फॉर्म में। ये देखो सबसे ज्यादा आयात भी पेट्रोलियम का है और सबसे ज्यादा निर्यात भी पेट्रोलियम का है ना। तो आयात कितना है, पूरे पूरे आयात का हमारा जो पूरा इम्पोर्ट है उसका 22.2% पेट्रोलियम क्रूड है, ठीक है। इसके बाद स्वर्ण एवं अर्ध मूल्यवान धातु के आभूषण, ये 6.4% सेकेंड पे आता है। मोती तथा अर्ध मूल्यवान पत्थर है वो 5.3% थर्ड नंबर पे आयात के मामले में आते हैं। इसके बाद निर्यात की हम बात करेंगे मूल्य के अर्थ में, तो सबसे ज्यादा किस देश के साथ हुआ निर्यात, अभी हमने जब बात करी वो चीज की बात करी, वस्तु की बात करी, सबसे ज्यादा निर्यात किसका हुआ, पेट्रोलियम उत्पाद का। जब देश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा निर्यात हमने किस देश में किया, वो किया हमने यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। हमारे पूरे निर्यात का 15.9% निर्यात हमने अमेरिका में किया। दूसरे नंबर पे यूएई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, यूएसए नंबर वन पर, देन यूएई, ओके। इसके बाद फिर कौन सा आया, चाइना, चाइना थर्ड नंबर पर है, फिर है हांगकांग। ये हमारे एक्सपोर्ट की बात करी हमने, एक्सपोर्ट का डेटा दिया, ठीक है। और वृद्धि दर्ज करने वाले देश कौन से हैं जिनमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई निर्यात में, है ना। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, नीदरलैंड में। नीदरलैंड की जो वृद्धि है निर्यात में वो 40.7% है। सेकेंड नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे नेपाल। तो ये वाला भी आप इसको याद रखो, दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट के मामले में। किस चीज का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया, पेट्रोलियम उत्पाद का। किस कंट्री में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया मूल्य के अर्थ में, वो हमने यूएसए में किया। सेकेंड नंबर पे यूएई में किया, थर्ड नंबर पे चाइना, चौथे पे हांगकांग। ऐसे याद करते चलो, ठीक है। ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप भी रिवाइज करते रहो बिना देखे, कहीं पे आंख बंद करके। इसके बाद जब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि किस देश में हुई निर्यात के मामले में, तो वो सबसे ज्यादा हुई है नीदरलैंड में, ठीक है। इसके बाद चाइना में और फिर नेपाल में, ओके। अब आयात की बात कर लेते हैं, एक्सपोर्ट की बात कर ली, अब हम इम्पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट के मामले में सबसे ज्यादा हमने इम्पोर्ट कहाँ से किया, चाइना से। चीन भर भर के माल भेजता है इंडिया के अंदर, है ना। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्ट हमने किया चाइना से। सेकेंड नंबर पे है यूएसए से, और इसमें भी कितना बड़ा गैप है। अब देखो हमारे पूरे इम्पोर्ट का 13.7% पहले नंबर पे चाइना है, और यूएसए से 6.9%, कितना डिफरेंस है ना। तो ऐसे आप देखो इम्पोर्ट में भी कितना डिफरेंस है, अमेरिका को हम 15.9% भेज रहे हैं, चाइना को सिर्फ 5.1% भेज रहे हैं, ओके। तो ये गैप जरूर से जरूर कम होना चाहिए, ओके। अभी यूएई के साथ अपना आयात कितना है, 5.8%, और सऊदी अरब के साथ 5.5%। इन दोनों से तो हम लोग पेट्रोल खरीदते हैं, भर भर के पेट्रोलियम क्रूड, तो उसी से इतना ज्यादा है, ओके। तो याद हो गया ना, चाइना सबसे ज्यादा, देन यूएसए, देन यूएई एंड देन सऊदी अरब। देन वर्ष 2018-19 में भारतीय आयात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, क्रमशः सिंगापुर के साथ आयात में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई। जैसे निर्यात में हमने सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करी किसके साथ, नीदरलैंड के साथ, ऐसे ही आयात में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज करी हमने सिंगापुर के साथ, नंबर टू पे हांगकांग, ठीक है, और नंबर थ्री पे यूएई के साथ, याद रखना। इसके बाद ये देखो, चीन से भारत का आयात वर्ष 2017 के 76.4 मिलियन डॉलर से घटकर 70.3 मिलियन डॉलर रह गया है, ठीक है। तो जो है चीन के साथ भारत के इम्पोर्ट्स कम हुए हैं, है ना। 17-18 में हमने 76.4 मिलियन डॉलर का इम्पोर्ट किया था, अभी 6 डॉलर घट के 70.3 मिलियन डॉलर हो गया चाइना से, ओके। इसके बाद देखो वर्ष 2017-18 में भारत से सर्वाधिक निर्यात, अब हम बात करेंगे प्रतिशत में, ठीक है। अभी हमने पहले बोला था मूल्यों में, जब देखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद है, परसेंटेज में भी पेट्रोलियम उत्पाद है, तो पेट्रोलियम उत्पाद 12.34% हमने पेट्रोलियम उत्पाद एक्सपोर्ट किया। मोती तथा मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर की 8.52%, ड्रग फॉर्मुलेशन एवं जैविक पदार्थ ये 4.25%, गोल्ड स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान धातु के आभूषण ये 4.22%, लौह एवं इस्पात ये 3.7%। तो यहाँ जब परसेंटेज के मामले में भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारा क्या ही है, पेट्रोलियम उत्पाद। इसके बाद 17-18 में प्रतिशत के मामले में सबसे अधिक आयात का क्या डेटा है, क्रूड पेट्रोलियम, सेम ही है ना, क्रूड
क्रूड पेट्रोल 18.77% ये हमने आयात किया। इसके बाद मोती एवं मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर 7.37% इम्पोर्ट किया। गोल्ड 7.23% इम्पोर्ट किया। कोयला एवं कोक आदि 4.92% और दूरसंचार उपकरण 4.69%। पहले दो तो बिल्कुल याद होना चाहिए, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। ये सारे चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी आती हैं। जरा भी पेपर को अगर उन्हें स्टैंडर्ड करना है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है आपको ये क्रम करने को बनाने को दिया जाए, ऐसे आपको कोल दे दे, गोल्ड दे दे, है ना, पेट्रोल दे दे और दूरसंचार उपकरण दे दे, अब बोल दे कि इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाइए। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ऐसे ही जो है 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 निर्यात स्थल रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, हांगकांग, चीन तथा सिंगापुर। ओके, 17-18 की बात हो रही है। इसके बाद 2017-18 में भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल, तो इसमें चीन था। ये 2017-18 ध्यान रखना, सेम ही है डेटा, कुछ चेंज नहीं है। 2017-18 में भी सबसे ज्यादा आयात किससे था, चीन से था। सेकेंड नंबर पे यूएसए से था और यूएई से था थर्ड नंबर पे, अभी भी वही है। इसका ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, 17-18 का पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 17-18 के जो पॉइंट्स हैं ओके, पर 18-19 के पॉइंट्स जो हमने बताए हैं वो याद जरूर याद रखना। वर्ष 2017-18 में भारत में 10.4 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ था। वहीं वर्ष 2018-19 में आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी हो गई, 10.6 मिलियन। ठीक है, तो याद रखना। इस तरीके से हम लोगों ने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के, वो हमने डिस्कस किए हैं इसमें। और अगले वीडियो में अपन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कुछ भी हमारा बजट था वो हम इस इम्पोर्टेंस ये देखेंगे कि कितना बजट था, ओके, किसने पेश किया, उसमें जैसे जल शक्ति मंत्रालय है और भी तमाम सारी कुछ स्कीम्स हैं वो आई थी जो इस बजट में डिक्लेयर करी थी, वो हम सारी चीज़ें करेंगे। और वैसे इकोनॉमिक सर्वे के तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिए, बाकी जो बचे होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो उन्हीं पर होगा, और क्वेश्चन फॉर्मेट में ही करेंगे, है ना, कि जो भी पॉइंट्स होंगे उसको एक पॉइंट फॉर्म में या बुलेट फॉर्म में हम उसको कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मेरे वीडियोस के लिए। और ये जो फेसबुक का ग्रुप है टारगेट यूपीपीएससी 2019 गेट सर्कल, ये ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। टेलीग्राम को पर भी आप मेरे चैनल पर जुड़ सकते हैं, और हमारा जो ये यूट्यूब का चैनल है इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।